आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जेल में मिल रही सुविधाओं और उनके समर्थकों की ओर से किए जा रहे जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और जेल आईजी से एसओपी मांगते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई। ये रिपोर्ट देखिए। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव से जुड़े जेल मैनुअल उल्लंघन मामले को लेकर आज रांची हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और जेल महानिरीक्षक से एसओपी मांगा है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी निर्धारित की गई है। दरअसल पिछले दिनों कोरोना के खतरे से बचने के लिए लालू प्रसाद यादव को रिम्स के केली बंगले में शिफ्ट किया गया था। तब वह बंगला खाली था। कोर्ट ने कहा कि रिम्स प्रबंधन ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने के पहले और कौन से विकल्पों पर विचार किया गया था। निदेश बंगले को ही क्यों चुना गया, जबकि रिम्स निदेशक को कुछ और विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए था। नियमों और प्रावधानों के अनुसार ही फैसला लेना चाहिए था। सुनवाई के दौरान जेल आईजी की ओर से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि रिम्स प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लालू प्रसाद को निदेशक बंगले में शिफ्ट किया था। अदालत को बताया गया कि जेल से बाहर इलाज के लिए अगर कैदी शिफ्ट किए जाते हैं तो उनकी सुरक्षा और उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, इसका स्पष्ट प्रावधान जेल मैनुअल में नहीं है। जेल के बाहर सेवादार दिया जा सकता है या नहीं, इसका भी जेल मैनुअल में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसकी एओपी भी नहीं है। कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि अब जेल मैनुअल को अपडेट कर रही है और एसओपी भी तैयार कर रही है। एसओपी तैयार होने के बाद उसी के अनुसार सभी प्रावधान किए जाएंगे। इस पर कोर्ट ने सरकार को 22 जनवरी को एसओपी पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। इससे पहले दिसंबर में इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को लालू प्रसाद से 3 महीने में मुलाकात करने वालों की सूची भी मांगी थी। अदालत ने रिपोर्ट देखने के बाद पुनरीक्षित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से लालू प्रसाद के रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगला और वहाँ से वापस वार्ड में शिफ्ट होने की विस्तृत जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी तय की है। अब राज्य सरकार और जेल प्रबंधन को जेल मैनुअल से संबंधित लंबा चौड़ा एसओपी दायर करना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।